हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम प्लेयर सुरेश रैना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सुरेश रैना का फैन है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। सुरेश रैना का रियल नेम सुरेश कुमार रैना है, निकनेम शानू है और सोनू है। प्रोफेशन से एक क्रिकेटर है। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2020 के हिसाब से 34 साल के हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही की है। वहीं इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से की है। अब बात करते हैं सुरेश रैना के करियर के बारे में। सन 2000 में रैना ने क्रिकेट खेलने का फैसला लिया और तुरंत अपने घर मुरादनगर उत्तर प्रदेश चले गए और वहां पर रैना ने गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश से अंडर 16 के कैप्टन बने और सन 2002 में इंडियन सेलेक्टर्स की नजरें उन पर पड़ी और 15 साल की उम्र में ही इनका सिलेक्शन अंडर 19 की टीम के लिए कर लिया गया था और अंडर 19 मैचों में इन्होंने 2 अर्धशतक भी बनाए थे। इसके बाद अंडर 17 की टीम के साथ वे श्रीलंका के टूर पे गए थे और जीतकर वापस लौटे। इसके बाद इन्होंने आसाम के खिलाफ फरवरी 2003 में रणजी डेब्यू किया था। इस समय इनकी उम्र केवल 16 साल की ही थी। इसके बाद इन्होंने अंडर 19 की टीम के साथ पाकिस्तान टूर किया और इनका प्रदर्शन देखते हुए सिलेक्टर ने 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन्हें सिलेक्ट कर लिया। इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 अर्धशतक लगाए थे, जिनके एक बार में इन्होंने 38 गेंदों पर 90 रन भी बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एकेडमी में फर्स्ट क्लास पाने के लिए इन्हें बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप भी मिली थी। इसके बाद सुरेश रैना ने 30 जुलाई 2005 में अपना ओडीआई डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ और जब इनकी उम्र सिर्फ 19 साल की ही थी। और रैना ने T20 डेब्यू किया 1 दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों, सुरेश रैना ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला 26 जुलाई 2010 को श्रीलंका के खिलाफ और अपना पहला टेस्ट मैच में ही इन्होंने शतक जड़ दिया। दोस्तों, बात करें इनके आईपीएल मैच की तो रैना ने अपना सबसे पहला आईपीएल मैच खेला 2008 में चेन्नई सुपर किंग टीम की तरफ से, जहां पे इन्हें 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना सुरेश रैना आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको सुरेश रैना की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है त्रिलोक चंद रैना और इनकी मदर का नाम है परवेश रैना और इनके 3 ब्रदर भी है जिनका नाम है नरेश रैना, मुकेश रैना और दिनेश रैना और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है रेनू रैना। और सुरेश रैना ने 2015 में प्रियंका चौधरी से शादी की और इनके एक बेटी और एक बेटा भी है और इनकी बेटी का नाम है ग्रेसिया रैना और इनके बेटे का नाम है रियो रैना जो कि अभी हाल ही में पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सुरेश रैना का घर जो है वो सेक्टर 11 राजनगर गाजियाबाद में है और इसके अलावा इनका घर है C27 सेक्टर 15 नोएडा में, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। बट सुरेश रैना रहते हैं गाजियाबाद में। अब बात करते हैं सुरेश रैना के कार्स कलेक्शन के बारे में। तो इनकी फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज GLE 350 जिसकी कीमत है 78 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है पोर्शे बोस्टर एस जिसकी कीमत है 92 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर वॉग जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए और लास्ट कार इनके पास है BMW 730 LD जजिसकी कीमत है 1 करोड़ 22 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। तो ये टेस्ट मैच खेलने के लिए लेते हैं 15 लाख रुपए, वहीं ये ODI मैच खेलने के लिए लेते हैं 6 लाख रुपए और वहीं ये T20 मैच खेलने के लिए लेते हैं 3 लाख रुपए। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो मैं आपको बता दूं, सुरेश रैना का नेटवर्थ है 180 करोड़ रुपए। तो ये थी सुरेश रैना की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सुरेश रैना के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पे चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।